हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतम। करता हूं आप सभी का स्वागत इस मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने इसके पहले सीरीज में देखा था कि मिनी बल्ब बोर्ड के अंदर शार्पी को पैच कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक शार्पी को प्रोग्राम कैसे किया जाता है। जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि शार्पी का सर्कल जो प्रोग्राम आता है वो किस तरह से हम मिनी बल्ब बोर्ड के अंदर बना सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप पूरा वीडियो देखिए और चलते हैं हमारे DMX पर। दोस्तों, जब भी आप इसमें फाइल इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही हम एक पैच बनाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस DMX से आपकी शार्पी को कौन से आउटपुट से इसे कनेक्शन देने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपनी शार्पी को DMX आउट ए से रखा है, तो आपको DMX ए से निकल के जाएगी तो वो ए से शार्पी को जाएगी। बी को आप जो यूज़ करेंगे आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप LED पार यूज़ कर सकते हैं, ब्लाइंडर्स, उसके बाद में डीमर, जो भी चीज़ें आपको लगानी है वो आप उस आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इसमें प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अभी अपना बोर्ड हम क्लियर एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको इसे लेके जाना है प्रो मोड में, तीनों फेडर्स को उठा लेना है। उसके बाद चलेंगे हमारी जितने हमने शार्पी ऐड किए हैं वो चारों को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं चारों में ब्लिंक लाइट अब ब्लिंक हो जाता है। उसके बाद चले जाना है हमें डिमर पे, या फिर डिमर से ना भी जाए तो आपने अगर इसको टर्न ऑन दबा दिया और इसकी पोजिशन अगर आपने सिलेक्ट कर ली तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ ऑन कर देगी और आपकी शार्पी की मूवमेंट जो है ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे आ जाएगी। सो गाइस, इस शार्पी की मूवमेंट को हमें अब हमारी तरफ लेना है, फ्रंट में लेना है, तो इसके लिए आपको इसका पैन थोड़ा सा घुमा लेना पड़ेगा। पैन के लिए आप जाएंगे, पैन का स्विच दबाएंगे, पैन जो है बी से वर्क करेगा, बी व्हील बी से। सो ठीक है, हम इसे घुमा लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर कुछ मूवमेंट करवाते हैं सो शार्पी हमारी देखिए थोड़ी 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 मूव होने लगी है। देखिए दोस्तों, आपको अपने हिसाब से इसे सेट कर लेना है। मैं इसे फ्रंट में सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, ये पूरी शार्पी अब एक जगह पे आ चुकी है, एक मूवमेंट पे आ चुकी है। देख लीजिए, जैसा मुझे चाहिए मैंने वैसे उनको सेट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको करना ये है कि इसका जो टिल्ट है, टिल्ट आपको व्हील ए से घुमाना पड़ेगा। टिल्ट को थोड़ा सा आप नीचे कर लेंगे। देखिए, जैसे इसे डाउन करते हैं ये अपने आप नीचे आना स्टार्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, हमने ये देखिए यहाँ पे कुछ मूवमेंट भी हो रही है, इसके परसेंटेज भी कम हो रहे हैं, वैसे वैसे शार्पी का भी मूवमेंट थोड़ा नीचे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको जितना चाहिए उतना आप इसे नीचे ले सकते हैं, मैंने इतना ले लिखे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हमारी शार्पी की मूवमेंट हो गई। अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि आप इसकी मूवमेंट कैसे चेंज करेंगे। इनकेस मुझे इस शार्पी को अगर सर्कल में घुमाना है तो मुझे इसके लिए आप इसका शेप चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चले जाएंगे यहाँ पे, देखिए शेप का एक स्विच है, इसे आप यहाँ से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में ये सब इसे इसके जो पैरामीटर्स ये सभी चीज़ें यहाँ पर शो करना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, प्लेबैक शेप में आपको जाना है और पैन टिल्ट शेप इसे आप प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्कल, सर्कल इवन, सर्कल ऑड इवन, आपको ले लेना है यहाँ से सर्कल। जैसे हमने सर्कल ले लिया, ये देखिए हमारी शार्पी जो है सर्कल घूमना शुरू हो गई है। ओके दोस्तों, अभी ये तो एक सरी की चारों घूम रही है, अगर इसको हमें थोड़ा सा मूवमेंट यानी कि कुछ डिग्रीज में अगर घुमाना है, यानी वन बाय वन जो चलनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए सिंपल फंडा है, यहीं पे आपको बोर्ड पे आना है, नीचे देखिए सी पे जो है शेप पैरामीटर्स है, यहाँ पे आपको इस पैरामीटर्स को प्रेस कर देना है। यहाँ पे इसके पूरे जो कुछ भी फंक्शंस है ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि साइज़ हो गया, स्पीड हो गया, आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ पर ये बी से स्पीड बढ़ जाएगा। इसका जो रिपीट डिग्री है ये अगर आपको, ये आपको जो सर्कल वन बाय वन चलानी है उसके लिए आपको इसका डिग्री ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सो हम इसे प्रेस कर देते हैं सी। अब ये सी पे चले गया, ये डिग्री ज़ीरो है, अभी तो ये ज़ीरो है, मतलब ये एक सरीके ही चलेगी सब के सब। तो आप जैसे ही आपको इस डिग्री को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वन बाय वन घूमना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये व्हील वी से होगा दोस्तों,
हम व्हील वी से इसकी डिग्री थोड़ी थोड़ी बढ़ा देते हैं। जैसे मैं ये व्हील वी घुमा रहा हूँ, देखिए डिग्री बढ़ रही है और हमारी शार्पी की मूवमेंट भी देखिए दोस्तों, धीरे 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 चेंज हो गई है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों, हम इसे कुछ 90 डिग्रीज में लेके चले जाते हैं। मैं 90 डिग्रीज में लेके चले जाता हूँ। देखिए जैसे मैं 90 डिग्रीज में लेके गया, ये हमारी शार्पी की मूवमेंट वन बाय वन आनी स्टार्ट हो गई है। सो यही एक इसका बेसिक फंडा है दोस्तों कोई भी प्रोग्राम बनवाने का। अभी तो मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया है, इसके अलावा भी आप कुछ लेफ्ट राइट जिगजैग में भी बना सकते हो, अप डाउन में भी बना सकते हो, क्रिस क्रॉस में भी बना सकते हो। ये तो दोस्तों बन गया है हमारा प्रोग्राम। अब इसमें आपको दिक्कत ये रहेगी कि आप सोचेंगे इसमें ये सेव कैसे करेंगे। सो इसके लिए बहुत ही सिंपल फंडा मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि ये देख लीजिए, अब ये आपको फाइनल यही मूवमेंट रखनी है तो ठीक है, बस इसके बाद में आपको बोर्ड पे चले जाना है। उसके बाद में शेप है ना, यहाँ से ये बाहर निकल जाना है। इसके बाद में ये सीन का जो बटन दिख रहे हैं आप, सीन पे प्रेस कर देना है। देखिए सीन पे प्रेस करते ही देखिए कुछ ऐसे ये डिस्प्ले पे शो होता है, रिकॉर्ड सीन, रिकॉर्ड स्टेज, रिकॉर्ड बाय चैनल। तो आपको इसको रिकॉर्ड बाय स्टेज ले लेना है क्योंकि यही स्टेज आपको फाइनल सेव करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो बैंक्स है, ये जो आपके प्लेबैक फेडर्स है, इसके जो लाइट्स है ये हाईलाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे पहले फेडर में मेरा सर्कल लेना है, तो आपको सिंपल यही करना है कि इसको एक बार प्रेस कर देना है। इसमें एक रेड लाइट जलने लगेगा, इसका मतलब कि आपका ये प्रोग्राम इस फेडर में सेव हो चुका है। अगर आपको ये सब चेक करना है तो आपको यहाँ से क्लियर एग्जिट हो जाना है, शार्पी अपने आप बंद हो जाएगी और फिर से आपको बोर्ड पे आना है और आपका पहला फेडर जैसे ही उठाएंगे आपका प्रोग्राम रन होना चालू हो जाएगा। सो गाइज ये बहुत ही सिंपल फंडा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।